बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A, जो कि है पेज नंबर 114, यानी कि 114 पर है ये एक्सरसाइज नंबर 5A। ये लीजिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए पार्ट में देखिए, 4569 मीटर इन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, यानी कि 4569 मीटर है भी हमारे पास, और जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4569 सेंटीमीटर। फिर है जी बी है पार्ट है जी, हमारे पास 789 किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर विल बी, यानी कि जब हम इसको 789 किलोमीटर को हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 789 मीटर। द सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर विल बी 10 सेंटीमीटर 29 मिलीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर 50 मीटर। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस कर देना, और सम का मतलब होता है प्लस करना। ई है जी 259 मीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर विल बी 259 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इनकी ट्रू और फॉल्स बताने हमने। 5 किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर विल बी 500,000 मीटर फॉल्स। द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर, क्या आपके जो वॉल की जो हाइट है उसको आप मिलीमीटर में मेजर करेंगे, फॉल्स। हाफ किलोमीटर इज इक्वल्स टू 500 मीटर, ट्रू। 50 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर विल बी 500 मिलीमीटर, ट्रू। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर, ट्रू। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, स्टेट वेदर द स्टेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमने सही दुरुस्त आंसर बताना है। कन्वर्ट 50 मीटर टू सेंटीमीटर, जब हम 50 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5000 सेंटीमीटर। कन्वर्ट 18 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर 180 मिलीमीटर। द करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ अ डोर, यानी कि आपने अगर अपने दरवाजे की हाइट मेजर करनी है तो आप किससे मेजर करेंगे, मीटर से। 15 मीटर 556 सेंटीमीटर प्लस 19 मीटर 52 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 34 मीटर 108 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। उसके बाद है जी पेज नंबर, आ जाए पेज नंबर 112 पर, जो आपके सामने ऊपर नजर आएगा। कन्वर्ट इनटू मीटर्स, इनको हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ। पहले पार्ट जो है, पहला ए पार्ट है हमारे पास, वो क्या है, 39 किलोमीटर, यानी कि 39 किलोमीटर को हमने अब किस में कन्वर्ट करना है, हमने करना है मीटर में कन्वर्ट। तो इसका सॉल्यूशन ये है, 39 मल्टी के जो होता है ना वो 1000 के इक्वल होता है। ठीक है, अब 39 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर तो आएगा आंसर 39,000 मीटर। फिर बी है जी 4, यानी कि इन सब को हमने किस में, मीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको अब डायरेक्ट दिखाती चली जाती हूँ। मल्टीप्लाई बाय वैसे 1000 करेंगे तो 405,000 अब ये वाला थोड़ा सा केस मुख्तलिफ है। इसके अंदर आपने किलो को किलो की वैल्यू लिख के ना फिर साथ मीटर मीटर वालों को प्लस कर देना है। 45 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर प्लस 119 मीटर, तो फिर प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 45119 मीटर। देन इज 4891,000 एफ है जी 130119। ठीक हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ऊपर हमने किसमें करना था, मीटर में कन्वर्ट करना था, अब इधर क्या करना है, इधर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में। तो पार्ट ए देखिए 42 मीटर है, 42 × 100 सेंटी, 100 के इक्वल होता है 42 100। 819 सॉरी यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गई, इसका यूनिट लिखना भूल गई थी, सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर। 815 मीटर, 815 × 100 तो 81500 सेंटीमीटर। 12 मीटर, 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कुछ चाहिए तो हम लोग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को फिर इस तरह से ऐड कर देंगे। 673 × 100 इज इक्वल टू 673 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, ये लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। पहले हमने मीटर में कन्वर्ट करना था, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर में। तो अब मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटी सी 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें मिलीमीटर में, सेंटी को मिली में करना है हमने। तो 515 × 10 × 10 यानी कि फिर आ जाएगा 150 मिलीमीटर। 8 × 10 800 मिलीमीटर, ठीक हो गया। और 18 सेंटीमीटर और फिर 5 मिलीमीटर है, तो 18 × 10 प्लस 5 mm, और फिर 180 प्लस 5 इस तरह से ऐड करेंगे तो 185 मिलीमीटर आ जाएगा हमारे पास आंसर। बाकी के पार्ट्स आप लोग करना, आप लोगों का होमवर्क है करना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कन्वर्ट इन टू फॉलोइंग, यानी कि हमने इनको कन्वर्ट करना है। 400 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा आंसर 4 1 2 3 4 और फिर 5 जीरोज़, 555 सेंटीमीटर है, 550 मिलीमीटर। 91 किलोमीटर है तो 9 उसको मिलीमीटर में जब करेंगे तो 9 1 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ आ जाएंगे। 13 किलोमीटर 15 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में करना है 13015 00। 4 मीटर है 29 सेंटीमीटर, 4290 मिलीमीटर। 77 किलोमीटर 35 सेंटीमीटर तो 7035 सेंटीमीटर, ये देख लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड, इनको कन्वर्ट करना है जैसे कि आपको बताया गया है कि किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। 300 मीटर को हमने किलोमीटर में करना है तो जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3। 25 मिलीमीटर इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.9 मीटर। 2050 मीटर इज इक्वल टू 2.05 किलोमीटर। देन 178 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.78 मीटर, और फिर एफ है जी 140 मिलीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 है एट द फॉलोइंग, यानी कि हमने इनको प्लस करना है इनका। पार्ट नंबर ए है 35 किलोमीटर 150 मीटर प्लस 47 किलोमीटर 940 मीटर, तो ये देखिए इस तरह से हमने ऐड कर देना है, आंसर आएगा 82 किलोमीटर 1090 मीटर, इनके 1090 मीटर। बी पार्ट भी देख लीजिए, इसका आंसर इसमें भी इसी तरह से ऐड करेंगे 117 किलोमीटर 100 मीटर। उसके बाद आ जाते जो बाकी के पार्ट्स हैं, आपका होमवर्क है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, स्प्रेड द फॉलोइंग, इसके अंदर पार्ट नंबर ए है, इनके माइनस करना है 45 किलोमीटर 130 मीटर माइनस 27 किलोमीटर 28 मीटर, तो ये देख लीजिए ये इसका सोल्यूशन है। माइनस किया मैंने तो 18 किलोमीटर और 108 मीटर आंसर आया। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से होंगे, तो इस वजह से आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट द सुटेबल यूनिट विद द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट, हाइट ऑफ योर फ्रेंड, आपकी फ्रेंड की हाइट क्या है। मेरी तो जो फ्रेंड है वो 4.9 उसकी हाइट है। द थिकनेस ऑफ द डोर आई थिंक सो 2 मीटर तो होगी ना, 2 मीटर। द हाइट ऑफ द विंडो 3, द थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड 2, द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल 4 किलोमीटर, ये मेरे लिहाज से द थिकनेस ऑफ योर मैथ 1, ठीक है। तो जी ये था आज का लेक्चर, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
मेरी वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और प्लीज मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है और मुझे लगता है आप लोगों को भी शायद मेरी सपोर्ट की जरूरत हो। मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, अब आप लोगों को भी फर्ज है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।